हमें 1.5 साल हो गए ऊपर 2 साल से हम इन्हीं को देख के टाइम पास करते हैं। Here I am at the Pakistan border Thang village wala area. Hai hai hai. रास्ते में कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था, बीच में एक जगह लिखा हुआ था कि यू आर अंडर एनिमीज ऑब्जर्वेशन, ऐसा लग रहा था कहीं इधर उधर से कहीं से गोली बजेगी। फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड ऑफ द रोड। पीछे की तरफ वहाँ है थांग विलेज, दैट्स कम्स अंडर पाकिस्तान टेरिटरी, और इसके इस तरफ वाले जो पहाड़ हैं वो सारे हैं पाकिस्तान में, और इस तरफ वाले जो पहाड़ हैं वो सारे हैं इंडिया में। अच्छा है, लोकल्स कहते हैं पीसफुल एरिया है, काफ़ी शांत है माहौल, ऐसा जैसा कुछ एग्रेशन देखने को नहीं मिलता यहाँ, बट बहुत दूर आना पड़ा यार इसके लिए। ऑलमोस्ट वी हैव ट्रेवल्ड 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हुंदेर। रामपुर। हाँ पापा, हम फिर अपने नेटवर्क को आगे फोन करेंगे, ठीक है? रामपुर। हैं। कने? क्या? फोन। लाओ। एक फोन कॉल चाहिए घर वालों के लिए। पचल, पचल। यहाँ पे नहीं चलता कोई भी नेटवर्क अदर देन BSNL, राइट? तू भी साल कतई बीच में हाथ अड़ा दे। ऐसे भाई है। सुनो। सेंस नहीं लोगों को। क्या चीज़ है? सो दिल हुआ धक धक एंड बहुत अच्छा लगा यार यहाँ आके। मैं भी कर लूँ 9467 4 1। कौन सा सिम 1 सिम 2? सिम 2 है सर। ओके, ये हमारा नेटवर्क कहाँ जाके स्टार्ट होगा? एक कॉल फैमिली के लिए अंदर से स्टार्ट होता। नहीं नहीं, वो हमारा तो पूरा चला हुआ था, तो था ना, तुक तुक से पहले तो वहाँ तक स्टार्ट था, अब भी आगे आगे हमारा बंद होता है। हेलो अंकल, नमस्ते। एयरटेल वहाँ से चल रहा है, जहाँ से बंद हुआ था ना वहाँ से चल रहा है, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोग पूरा अरेंजमेंट करके मिलोगे। यार हमारे फादर साहब है ना, नौ नंबर से कॉल नहीं उठाते। उठा लो फादर साहब। ये ऐसी सेम है, हम लोग बहुत देर बाद तक फोन। फौजी साहब है ना, पूरी चौकसी के साथ चलते हैं। अननोन नंबर उठाना नहीं है, बैंक वाले को चला नहीं यार, नंबर लगता है कंप्यूटर जी, किसी और को फोन लगाना पड़ेगा। नेट भी आ रहा है? नहीं, याद आएगा। 951 पॉप पॉप पॉप। इंडिया का बॉर्डर अभी का फोन फोन हो तो फोन ट्रिपल भाई का फोन ले आएगा। कंप्यूटर से घर पे फोन लगा दिया। आपका डिक्टो दिखाता हूँ। सो थांग विलेज है, और यहाँ से है कुछ 50 मीटर्स यहाँ से विजिबल है, और जो हमारी साइड में जो लास्ट विलेज है वो है त्याक्षी। ऊपर इर्द गिर्द सारी जगह कहीं ना कहीं हमारी आर्मी सब जगह बैठी होती है। बहुत दूर आना पड़ा है, और ऑलमोस्ट नुब्रा हुंदेर में हमारा स्टे था, हुंदेर से ऑलमोस्ट हम 95 किलोमीटर्स आए। दूर दूर तक पहाड़ियाँ यहाँ पे बने हुए हैं।
ऐसा कर। यहाँ लिखा है थांग विलेज 30 meters बॉर्डर व्यू पॉइंट, बस 30 meters और, बस 30 meters चाहिए। बैठ जाते यार। अरे सर जी ऊपर वाले में बैठ जाते। अरे वो रेस्टोरेंट, अरे बात बराबर ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने रेस्टोरेंट के सुना देख के आते हैं। हाय रे, सो कैसा लगा भाई सफर? अल्टीमेट मजा आ गया। कैसे थे हमारे आर्मी वाले लोग? अल्टीमेट, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे सेफ है। अरे भाई क्या, लास्ट में तो पाजी हमारे खड़े थे, हाय 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 हाय, उन्होंने स्वागत किया। हाँ, और हमने भी भाई को, हमारी सारी थकावट दूर हो गई। भाई को माला पहनाई थी बिल्कुल ऐसे वाली, क्या बोलते हैं, हमको देख के वो लोग बहुत खुश हो गए थे। मोनिका को तो वहीं रख रहे थे, वो कह रहे थे छोड़ जाओ भारी सामान आगे नहीं जाएगा। मोनिका को कह रहे थे भारी सामान आगे नहीं जाएगा, यही लगे। खुशी हियर आई एम एट द पाकिस्तान बॉर्डर थांग विलेज वाला एरिया। हाय हाय हाय, रास्ते में कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था, बीच में एक जगह लिखा हुआ था कि यू आर अंडर एनिमीज ऑब्जर्वेशन, ऐसा लग रहा था कहीं इधर उधर से कहीं से गोली बजेगी। ये भाई साहब बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा रुचि मोहम्मद। रुचि मोहम्मद, और अच्छा ये इंडिया का लास्ट विलेज है। अच्छा पहले यहाँ विजिट नहीं होता था, 14 अगस्त से यहाँ खुला है, जहाँ आपका एंट्री हो गया ना, अभी जो आर्मी ने एंट्री किया ना आपका, वहीं से लोग वापस जाता था। अच्छा 14 अगस्त से यहाँ खुला है। अच्छा हाँ सर, जो सामने देख रहे हैं आप ग्रीन था जिस बार के, वो जो उधर ग्रीन, वो ग्रीन वो पाकिस्तान खुला। क्या नाम है? थांग। थांग कौन सा सर? हाँ जी, और ऊपर आइए सर, ये सारे पहाड़ पाकिस्तान के। अच्छा ये पूरा पाकिस्तान का, वो प्यूक पूरा पाकिस्तान, व्हाइट वाला बंकर इंडिया का है, प्यूक पूरा पाकिस्तान का। तो इनके यहाँ बंकर नहीं बने हुए? मैं बता रहा हूँ सर आपको, और इनको पूरा बंकर बना हुआ है, इनका आर्मी वहाँ पे है, बिल्कुल पीक पे है। वो देख शायद वहाँ पे सफेद कुछ दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, वो शायद है ना, वो लोग पूरा नजर गड़ा रहते हैं अपने इधर। सर भैया इस पे किधर आ जाओ, वो कैसे बस मतलब भीतर जो है ना पहाड़, मैं देख रहा हूं कुछ सफेद सफेद दिख रहा है। और इस तरफ आए आप लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पूरा अपना इंडिया का है। हां जी वहां पे बंकर देखा आप, वहां पे देखना जरा व्हाइट से बंकर देख रहा है वहां पे, ये देखो ऊपर लास्ट वो पूरा इंडिया का है सर। ओके, और आपने अभी बोल रहा था 92 इंडियन कैप्चर किया यहाँ तक, पहले ये पाकिस्तान 71 से पहले पाकिस्तान में था, तो 92 इंडियन कैप्चर किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनके फ्लैग्स नहीं है कहीं भी ना? यहाँ पे पहले होता था, मैं वहाँ पे देखना, जहाँ डब्ल्यू शेप बना हुआ ना, पाकिस्तान बता रहे हो ना, देखा उसके ऊपर आइए, वहाँ पे एक डंडा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बादल के ऊपर, हाँ जी जहाँ बादल खत्म हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ डंडा देखा आपने? जी दिख रहा है। और दूरबीन उठाते तो और भी साफ होता है आपको, यहाँ पे दूरबीन रखा हुआ है। ये है सारी इंडियन टेरिटरी, ठीक है, यहाँ से फिर वो जो सामने दिख रहा है वो है पाकिस्तान का गांव, और यहाँ से ये जितने पहाड़ दिख रहे हैं ये सारे हैं पाकिस्तान, और इसमें बीच बीच में अगर यहाँ देख सको तो यहाँ पे
इनके पिलर्स गड़े हुए यहाँ ऐसे, इससे ऊपर सारा नो मैन्स लैंड है।